उत्तर प्रदेश में समाजवाद को लेकर सियासत गर्म है। जहां पहले विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवाद के औचित्य पर करारा हमला बोलते हुए कहा था कि समाजवाद को मृग तृष्णा बताते हुए उन्होंने कहा कि ये अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है। वहीं सपा के नेता और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को समाजवादी सिद्धांत को समझने की जरूरत है। भाजपा के सबका साथ सबका विकास और रामराज्य जैसे नारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि ये बिना समाजवाद के संभव ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए, समाजवाद हमारे लिए बड़ी बात है। क्या मुख्यमंत्री ये बताएंगे? और आपने तो सदन की कार्रवाई देखी होगी, जब मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछा कि किस अंग्रेजी स्पीच को मुख्यमंत्री जी ने हिंदी में पढ़ा है, क्या वो बता पाई थी? वो बता पाई थी क्या? क्या संसदीय कार्य मंत्री बता पाए थे क्या? क्योंकि ब्रिटेन की जो महिला प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने किस बारे में कहा? वो कैपिटलिस्ट के पक्षधर थे, उसलिए उन्होंने कहा था। मार्गरेट थेचर की स्पीच है ये, जो स्पीच है ये मार्गरेट थेचर की है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा। और ये बताइए, मार्गरेट थेचर की स्पीच को हिंदी में लिखकर के लाए, शर्म नहीं आती इन लोगों को कि सोशलिज्म के बारे में क्या शब्द रखते हैं? ये हमारे प्रस्तावना में, हम शपथ लेते हैं तो सोशलिज्म हमारे लिए, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान महत्वपूर्ण है। हमारे डॉक्टर रामलाल लोहिया ने जो रास्ता दिखाया वो महत्वपूर्ण है, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया वो महत्वपूर्ण है, भगत सिंह ने जो क्रांतिकारी आजादी लड़ाई में जो कहा कि हमारा समाज को कोई दिशा दिखता है दिखा सकता है तो समाजवादी विचारधारा दिखा सकती है। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया वो हमारा समाजवाद का, याद कीजिए। जेपी ने यही तो आंदोलन कहा था कि हम संपूर्ण क्रांति की तरफ जा रहे हैं, जिस समय महंगाई, भ्रष्टाचार और संविधान की धज्जियां उड़ रही थी, डॉक्टर रामलाल लोहिया ने सत्य क्रांति का आह्वान किया। और ये लोग जो क्या भाषा बोल रहे हैं, सोचिए समाजवाद के लिए। इसलिए हमारे लिए समाजवाद महत्वपूर्ण है, समाजवादी विचारधारा से ही समाज में खुशहाली आ सकती है, एकता आ सकती है। ये कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कौन करा रहा है? अगर आज सदन में बहुत सारे लोग कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, लेकिन राजनीति के लिए हम जाति में भी हैं, हमें कुछ भी कह दोगे आप, पूजा नहीं करने दोगे, हमारा अगर घर होगा तो उसको गंगा जल से नहलवा हो गया। हमने तो पूछा था कि शूद्र क्या है, बताएं शूद्र क्या है ये सरकार, अब तो बता दे शूद्र क्या है। इसलिए हमारे लिए ये मुद्दे बड़े हैं, जाति जनगणना हो और सरकार बताए कि इस तरह की भावना क्यों रखती है दूसरे विपक्षी लोगों के लिए। तो मुख्यमंत्री